और स्थान इनके पर ही प्रिडिक्शन किया जाता है, लेकिन मेन तो जो पुर्जा है, बोलते हैं ना छोटे पुर्जे अंदर से इनसाइडली वर्क करने वाले, वो तत्वा होते हैं। तत्व के बिना आपका प्रिडिक्शन एकदम सही नहीं जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा है किस दिशा से प्रवाहित हो रही है वो तत्वों से जान सकते। तो मैं आज कुंडली में एक सवाल करूंगा सबके लिए कि पांच तत्वों में हम ज्योतिष शास्त्र में आकाश तत्व को कहाँ से देखते हैं, ये सवाल कर रहा हूँ, बताएगा तो राइज करो। प्लीज जिन्हें आंसर करना प्लीज हैंड रेज करेंगे तो हम उनको एक एक करके नाम से बुला देंगे। जैसे संदीप सर, प्लीज संदीप सर। सर आकाश तत्व को क्या धनुराशि से देखते हैं? उसको तो अग्नि राशि कहा गया है। ये पर बृहस्पति ग्रह को आकाश तत्व की राशि माना गया? गुरु ग्रह को जो है ना, बृहस्पति ग्रह को ही आकाश तत्व तो माना गया है, ये सही बात है। यही जो है ना, सिर्फ गुरु एक ही क्यों दिया? अग्नि तत्व को दो राशि मिली है, जल तत्व को दो राशियां, दो ग्रह मिले हैं, जल तत्व को और अग्नि तत्व को दो ग्रह मिले हैं, और आकाश तत्व को एक ही मिला है, नौ ग्रह है ना हमारे पे, तो सात ग्रहों की महत्वता है उसमें। तो जो अग्नि तत्व की राशि है वो राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की भी है, वायु तत्व की, लेकिन हम आकाश तत्व की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखो यहाँ पे आकाश तत्व में खासियत क्या है, आकाश तत्व सभी तत्वों में विराजमान है, पता है आपको? या सभी तत्व आकाश तत्व में विराजमान है, वर्षा दोनों भी है, वो किसी को पता है कैसे काम करता है आकाश तत्व? आकाश तत्व तो कैसे आपको मालूम गिरता है कि ये है, यही आकाश तत्व तो है, बोले कोई बता सकता है? नहीं पता सर। बोलिए योगेश जी। योगेश सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज आंसर इट। आकाश तत्व एक ऐसा चीज है वो हर जगह में व्याप्त है। आप एक मंत्र से ले लो, मंत्र के थ्रू, हवा के थ्रू, या अग्नि के थ्रू, या तो पानी के थ्रू, या तो पृथ्वी के थ्रू, ये हर जगह में कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? अगर कनेक्ट होना है तो मंत्र के थ्रू कनेक्ट होता है। मंत्र के थ्रू नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ध्वनि के थ्रू। मंत्र तो हम बनाते हैं, जहां पे भी ध्वनि के तरंग तैयार होते हैं वो आकाश तत्व। ओके थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। और जैसे ध्वनि बनता है तो ध्वनि हवा के रूप में अग्नि से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट तो होने का नहीं, जो भी तत्व है ना इन चारों से कनेक्ट है ध्वनि। या जहां पे भी आप इसको परिवर्तन होता है, मैं इसलिए तो खास थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ यहाँ पे, जब परिवर्तन होता है हवा के अंदर, हम जब जोर से हवा को ऐसा एक लकड़ी से ब्लास्ट करें तो वहां पे आवाज आती है। जब विघटन होता है तो भी तरंग ध्वनि के निर्माण होते हैं, और विघटन स्पर्श भी होता है, जैसे पानी का बहाव बढ़ता है तो भी आवाज आता है, एक साथ पानी का टकराव होता है तो भी आवाज आता है, या पत्थर से पत्थर, जमीन से जमीन, पृथ्वी से पृथ्वी टकराती है तभी भी आवाज आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं तरंगे होती है, वही आकाश तत्व है, जो आकाश तत्व सभी तरफ व्याप्त है और उसी सभी तो आपका क्या कहना है, और इसके अलावा कहाँ पे दिखता है? अभिषेक सर, सर आपकी सारी राशियां आकाश में विचरण करती है, तो आकाश तत्व तो सब में निहित है सर, इसको अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जितनी राशियां तो, अपने जितने ग्रह है वो सब आकाश में विचरण करते हैं सर। तो आकाश तो वही तो बनना है, इसलिए तो गुरु को ही
नाड़ी शास्त्र में गुरु को ही जीव शास्त्र कहा गया है, क्योंकि गुरु जो है ना आकाश तत्व का कारक है, और वही आकाश तत्व हमारे धनु और मीन राशि में कैसे व्याप्त है कि हमारा भाग्य, हमको जो मिलने वाली चीजें होती है हम उसको भाग्य बोलते हैं, और हमारे से जो बिछड़ने वाली चीजें होती है ना वो वयश बोलते हैं। तो दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? गुरु के अंदर। तो हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं या कुछ किए बिना कुछ हो सकता है वो सिर्फ आकाश तत्व तो गुरु के अंदर है। और दूसरा शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी पावर आकाश तत्व में। हर एक की ग्रेविटी कम ज्यादा होती है, ये ग्रेविटेशनल पावर को ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तत्वाकर्षण नाम भी ऐसे ही दिया है। जहां पे अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट करना, या अग्नि को जन्म देना, या जल को जन्म देना, या पृथ्वी में से उगना, पृथ्वी में बुझ जाना, जो भी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ध्वनि तरंग से, ये आकाश तत्व का जानकारी है। ऐसी चारों तत्वों की जानकारी है और आकाश तत्व के बारे में, और इनको कैसे हम इस्तेमाल करना है, इनको कि कैसे आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का नैसर्गिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है, कैसे देखी जाती है ये शक्तियों को, यही तो हमको जानना है। तत्वों की जो मेरा जो तत्व का जो लेक्चर है आप सब लोगों को पता है, डीप से और जानना चाहते हैं तो ज्वाइन होंगे तो ज्यादा है। योगी जी बोलिए। यानी गुरु जिधर प्लेसमेंट हुआ रहता है पर्टिकुलर वहां से उनको कनेक्ट करना है। नहीं, वो उस तरह से तो कनेक्ट तो हर एक जगह कहीं ना कहीं है ही। यानी उसके मेन सोर्स कहाँ पे है वो अभी समझो। फॉर एग्जांपल एनी गिवन चार्ट, अभी गुरु का खुद का स्थान है नौवा और बारवा, बट एक्चुअली पर्सनल चार्ट में कहाँ पे बैठा है तो दैट विल बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुरु का सोर्स कहाँ पे है बोला तो दैट पर्टिकुलर हाउस, वेदर इट इज अ सेकंड हाउस, वेदर इट इज अ थर्ड हाउस, वेदर इट इज अ फोर्थ हाउस। इज प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की वजह से नहीं है, गुरु वहां के लिए क्या काम कर रहा है और गुरु की स्थिति क्या है ये देखना जरूरी होता है। ओके ओके देखो, इसलिए तो गुरु को लेना नवी दृष्टि भी देखा गया है। यस, सॉफ्ट दृष्टि है, पंचम और नवम दृष्टि, सॉफ्ट सप्तम तो सभी के लिए है। दृष्टियों का भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो मैं आकाश तत्व, बाकी तो तत्वों को हम राशि से देख सकते हैं, सिर्फ गुरु को आकाश तत्व से कैसे देखना है और प्रिडिक्शन में क्या देंगे आप, कैसे देंगे प्रिडिक्शन आप। अगर आपने आदमी का व्यक्तित्व क्या होता है, प्रतिष्ठा जो होती है वो गुरु से होती है। आदमी का मान सम्मान जब नहीं मिलता ना तो आदमी हिल जाता है। वो मान सम्मान कहाँ से मिलता है? तो गुरु उसकी कुंडली में क्या कर रहा है, गुरु का स्टेज क्या है, ये जरूरी है। आकाश तत्व ने जो आत्मा का जो सबसे पावरफुल शक्ति है वो आकाश तत्व बोलते ना, मोक्ष प्राप्त होना वो भी गुरु के हाथ में, बारे में भाग्य प्राप्त करना वो भी गुरु के हाथ में, मार्गदर्शन देने वाला भी गुरु है, मेंटर बोलते हैं हम लोग उसको। मेंटर सही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एडवाइजर तो सब लोग है, बुरा एडवाइस देने वाले भी है और अच्छा एडवाइजर है, लेकिन बुरा एडवाइस देने वाला भी गुरु है और अच्छा एडवाइस देने वाला भी गुरु है। तो कुंडली में वो अच्छा एडवाइजर लेके बैठा है कि बुरा एडवाइजर? तो इस चैप्टर से हम आकाश तत्व को देख सकते हैं, एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक पार्ट। अग्नि का भी बहुत बड़ा चैप्टर है, 15-20 मिनट का चैप्टर है अग्नि तत्व, जल तत्व का भी उतना ही है। ये चारों चैप्टर को जब समझेंगे कि एक व्यक्ति समझो रेस्टोरेंट में काम करने वाला है, लेकिन वहां पे मैनेजर जो कैश काउंट कर रहा है वो रेस्टोरेंट में बैठा है लेकिन वो अग्नि के पास नहीं है, तो अग्नि का संबंध किससे आ रहा है? तो शेफ का आ रहा है, तो शेफ के लिए अग्नि तत्व वहां पे कैसे जा रही है? अभी कोई शेफ है लेकिन वो अग्नि तत्व में नहीं, वो कल जूस बनाता है, वहां पे जल तत्व आ गया, खाने के ही आइटम है लेकिन क्या बना रहा है, कैसे कर रहा है वो काम। तो हम
अगर हर एक कुंडली को अलग अलग मैटर्स में देखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो फार्मूला कभी भी याद रखना है, जो फार्मूले है ना वो बताने वाला हूँ कि ये चार तत्वों से आप फॉर्मूले को देखो और मेन उसकी इस कुंडली में गुरु और आकाश तत्व के हिसाब से उसको क्या लेवल तक पहुंचा सकता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप किसी पे भी लगाएं वो फॉर्मूला लग जाएगा। बेसिक जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ये इनर जानकारी तत्वों की। तत्व तो अग्नि तत्व है मालूम है, वायु तत्व है मालूम है, एक पुलिस ऑफिसर है वो नेवी या एक मिलिट्री ऑफिसर है वो नेवी में काम करता है, कोई मरीन में काम यानी तो जल थल और वायु सेना तीनों हैं, तो किस में जा रहा है? फाइटर तो उसकी कुंडली भी दिखी है हमको, अभी बोलेंगे कि हमको इसमें किसको कहाँ पे भेजना है, तब ये तत्व काम आते हैं। तो उसमें कौन से तत्व को कैसे जोड़ना है, किस कुंड लग्न से या स्थान से कैरियर देखना है, तो उसको कौन से तत्व को आप पकड़ेंगे तो फट के आपके पास आंसर आ जाएगा, वो इम्पोर्टेंट। तो इस तरह की पूरी जानकारी उस तत्वों में देने की है। अब जो हमारा नितेश कभी रख रहे हो थोड़ा तो बता दो इनको। हेलो नितेश। हाँ सर। हाँ कभी रखना है वाले हम लोगों को पूरा प्रोग्राम और उसका क्या है सब जानकारी दे दो, मैं फिर वापस बताऊंगा, क्या उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ। सरकार जैसे सर आपको बता रहे थे तत्व के ऊपर, एक सर का पूरा एक तत्व का कंप्लीट वेबिनार है जिसमें जो हम फाइव तत्व के बारे में कैसे प्रेडिक्शंस में हेल्प मिलते, वो कंप्लीट एक वेबिनार हम अरेंज कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक होगा संडे को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा बिकॉज न्यू ईयर है तो उसमें काफी लोग जा रहे होंगे, तो न्यू ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को। तो उसकी डिटेल मैं आपको मेल पे और आपको भी चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिसमें देवीचंद सर कंप्लीट उस वेबिनार में कंप्लीट प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उसको प्रेडिक्शंस में यूज कर सकते हैं तत्व को। जी सर। हाँ राइट ठीक है। उसकी फीस 5,000 रुपीज है और अभी जैसे अभी न्यू ईयर तक उसमें डिस्काउंट ऑफर है, 20% अभी डिस्काउंट ऑफर है उसके अंदर में, अगर न्यू ईयर तक कोई ज्वाइन करता है दे विल गेट 20% डिस्काउंट, वो मैं आपको सारी मेल्स पे डिटेल भेज दूंगा। ठीक है सर। तो हाँ राइट, अभी कुछ सवाल है तत्वों के बारे में तो शॉर्ट में मैं बता दूं। सर पहले आप एक बार बेसिक इसका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कैसे कैसे यूज होता है, तो उससे बेनिफिट होगा, लोगों को समझ आएगा, देन फिर हम क्वेश्चन सेशन कर लेंगे सर। अच्छा जी सर, एक शॉर्ट में अग्नि तत्वों का मैं बता देता हूँ। जी देखो, जो व्यक्ति व्यक्तियों का एक नेचर होता है, तो जो भविष्य के बारे में जो सोचने वाला जो व्यक्ति होता है ना वो अग्नि तत्व से कनेक्ट होता है, वो प्रेजेंट टेंस में नहीं जीता वो, क्योंकि अग्नि तत्व प्रकाश होता है एक्चुअली, और प्रकाश हमारे को अंधेरे को दूर करता है या वो उजाले से आगे तक के रास्ते को बताता है, ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूं सबको पता है। यही अग्नि अगर बहुत प्रज्वलित होती है तो कठोर से कठोर वस्तु को पिघला देती, उसको द्रव बना देती है, और सॉफ्ट रहेगी तो उसको छीन कर देगी, यानी यहाँ पे परिवर्तन करता है, प्रकाश से परिवर्तन मृदु भी होता है और जला भी देता है, और जले हुए को क्या करता है परिवर्तन में प्रकाश में करता है वापस से। लेकिन अग्नि तत्व से धर्म कहा गया है, यानी नियमित सत्य नियम से चलना, धर्म का मतलब क्या है नियम से चलना, अग्नि जो है नियम से, जैसे सूर्य ऑलरेडी है वहां पे, हमको रोज प्रकट हो रहा है सूर्योदय ऐसा दिखता है, लेकिन है वहां पे, उस नित्य स्थिर अग्नि को जैसा है वो अपनी कक्षा में घूमता है, वो अपने आप में घूमता है अग्नि, सूर्य कहीं घूमता नहीं है आजू बाजू, अपने आप में घूमता है अग्नि,
और उसके आजू बाजू सभी मंडल घूमते हैं, जो नित्य है, नियम है, वैसी इस अग्नि का उस व्यक्ति पे असर होता है। वो प्रिंसिपल वाला रहता है, पंक्चुअलिटी ज्यादा पसंद करता है। देखो आप, उसको सब समय पे चाहिए, वो खुद अपने आप में रहता है, लेकिन वो उसको जैसे सूरज के आजू बाजू सब ग्रह घूम रहे हैं, तारे घूम दिखते हैं, स्थिर है, लेकिन ग्रह घूमते हैं तो अपने हिसाब से घुमाता है। तो जो अग्नि तत्व वाला राशि वाले लोगों को अपने हिसाब से घुमाना चाहता है, लीडरशिप क्वालिटी अपने हिसाब से चलाना चाहता है, नियम बनाना चाहता है, ये उसके नेचर्स होते हैं। तो उस नेचर के हिसाब से क्या करता है, वो भविष्य की तैयारी कर लेता है। अग्नि ऐसे भी शुद्ध होता है तो उनके मन में शुद्धता ज्यादा रहती है, इसलिए उनके अंदर डर सा नहीं रहता। सूर्य, मंगल और मेष, सिंह, धनु, ये तीन अग्नि के कारक होते हैं ग्रहों में। इनको सभी को देखना कि व्यक्ति की राशि की या बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं लग्न को बोलूंगा माइंड लैंग्वेज, चंद्र को बोलूंगा सूर्य का जो है आत्मा लैंग्वेज है, और बाकी जब ग्रह कहीं ना कहीं अग्नि तत्व में जाएंगे तो थोड़ी भविष्य की तैयारी करके वो काम करता है। अगर वो अग्नि तत्व की राशि या अग्नि तत्व के ग्रह उसके बिगड़ जाते हैं तो वही भविष्य की आगे की बहुत ज्यादा सोच के गलतियां भी बहुत कर सकता है। तो हमको ध्यान देना है कि ये ग्रह सूर्य, चंद्र या लग्न, कोई भी एक ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठा है तो संसार में रह के वो भविष्य का डेवलपमेंट करता है। ये वर्ड्स आप देख लो, लागू कर लो किसी पे भी। आप बोल रहे हैं हमारे भविष्य का सोचो, भविष्य का सोचो, उसके कुंडली में भविष्य का सोचने का नहीं रहेगा, आप कितना ही बोलो कुछ नहीं करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि भविष्य के बारे में जानने वाला व्यक्ति कौन, जो प्रिडिक्ट करने वाले लोग रहते हैं वहां कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का असर ज्यादा रहता है, प्रिडिक्ट करने वाले। इन रिपीट कर देंगे प्लीज, ये सूर्य, चंद्र और तीसरा ग्रह कौन सा बताया? लग्न, लग्न एसेंडिंग जो रहता है, एसेंडेंट लॉर्ड या एसेंडेंट, ओनली एसेंडेंट लॉर्ड कहां बैठा है तो अलग बताए। एसेंडेंट अग्नि तत्व का होना चाहिए, मेष, सिंह, धनु का लग्न का रहेगा। ओके, या ठीक है, सूर्य मेष, सिंह, लग्न मेष, सिंह, धनु में सूर्य या चंद्र बैठेंगे, या मेष, सिंह, धनु में बहुत सारे ग्रहों, दो से दो या तीन से ज्यादा ग्रह बैठेंगे या उनकी दशा चलेगी, तो भी वो भविष्य के बारे में सोच के प्लानर करता है। ठीक है, हाँ। ये अगर इन ग्रहों पे या इन राशियों पे शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तब जाके भविष्य की जानकारी उनके पास रहेगी, और अपने लिए और अपनों के लिए जहां तक इनकी पहुंच होती है, जहां तक इनकी पहुंच होती ना, वहां पर ये अपने नियम बनाते, सिर्फ अग्नि तत्व वाले नियम बनाते हैं, हम ऐसे सिंपल वर्ड में बोलेंगे। ये और भी आगे है अग्नि तत्व का, तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये कुछ अलग लगा कि कैसे लगा, किसी का सवाल है तो कुछ बोलिए। सर एक ही प्रश्न उठता है कि जैसे मेरे केस में धनु का सूर्य है और मैं भविष्य की तरफ ध्यान देता ही हूँ, फोरसाइट थोड़ा रखने की कोशिश करता हूँ, ज्योतिष क्षेत्र में भी हम लोग हैं ही, लेकिन चंद्रमा मेरा जो है वो पृथ्वी साइन में है और जो लग्न है वो एरी साइन है, यानी वायु तत्व का है। नहीं, इसमें से वायु तत्व और पृथ्वी तत्व के बारे में हम जब सुनेंगे ना, तो आपका एक क्या बोलते हैं, एक्ट बनता है। करेक्ट, क्या होता है, मैं सभी सब अभी सिखा दूंगा तो फिर वो नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड सर, बट इसमें सिर्फ इतना ही समझना था, अभी बिल्कुल प्रिसाइज प्रश्न है कि तीनों का रोल आएगा, लग्न, चंद्रमा और तीनों का रोल भी आएगा या एक को ही लेके अभी चले, नहीं नहीं नहीं, वो तो भविष्य का सोचेगा, एक तो रहेगा ही, तो ठीक है, तीनों का रोल में क्या होता है कि वो एक्ट कैसा करेगा,
देखो भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन बाकी जो तत्व है आपके, उन तत्वों से 12 के 12 राशियों के प्रभाव और गुरु ग्रह का प्रभाव, इनसे एक पैकेज बनेगा आपका कि आप किस तरह से आप दौड़ रहे हैं। आप रेलवे का टिकट रेलवे में जा रहे हैं कि अपने खुद की गाड़ी में जा रहे हैं, क्या प्लेन से जा रहे हैं, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे। ऐसा ठीक है सर, ठीक है, है। धन्यवाद, थैंक यू सर। एक मतलब लोगों का रिक्वेस्ट है सर कि कोई एक पर्टिकुलर कुंडली में लगा के किसी का भी एक एग्जांपल के साथ में बता देंगे थोड़ा बेटर होगा, अंडरस्टैंड हो पाएगा, क्योंकि काफी लोगों को ना फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उनका मैसेज कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर कुंडली में लगा के बताएंगे कैसे यूजेस होता है तो ज्यादा समझ आएगा। चलेगा ना, एक हम किसी का ले लेंगे। अभी इनका भी, अभी इनका ही एक उदाहरण था, तो इनका धनु का जो असर था, अभी उन्होंने बताया कि मैं आगे का सोचता हूँ। संदीप सर का हाँ, अभी जो बात की मेरे से, जी सर, हाँ, तो उनका भी लगा लेंगे, तो उनकी जो राशि का जो प्रभाव गिरा, ये भविष्य के बारे में क्यों सोचते हैं, तो वो धनु के हिसाब से सोचते हैं भविष्य के बारे में, और वो ड्यूअल माइंड होते हैं, भविष्य का आगे का सोच के फिर थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, उसमें 200 बार आती है ना। इसके लिए क्या होता है, हम जब सीखेंगे ना, तो ग्रह के साथ में तत्व के साथ में क्या होता है, चर 200 बार स्थिर, इनका भी प्रभाव गिरता है, वो भी मैं साथ में बताने वाला हूँ, लेकिन मेन तो ये इंपॉर्टेंट है अग्नि तत्व। किसी की भी कुंडली ले लो, अग्नि तत्व की राशि रहेगी या लग्न रहेगा, तो मैं उसके हिसाब से उनको क्या प्रिडिक्शन बोलना चाहिए बता रहा हूँ। हाँ सर, तो एक चीज था, जैसे अगर ये तत्व है, एक आदमी है जिसके चार्ट में सूर्य जो है वो धनु में बैठा है और उसका लग्न जो है मेष का ही है, उसका बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में बैठा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और मगर उसका चंद्र जो है वो मान के चलते हैं जेमिनाई में बैठ गया, ठीक है, मिथुन मिथुन में बैठ गया, तो वो तत्व बदल गया। अब वो आदमी हर जिंदगी के हर एक साल में अलग अलग साल में अलग अलग काम करता है। अब मैं अगर उसका तिथि प्रवेश निकालता हूं, एग्जाम्पल देखिए बोल रहा हूं, तो तिथि प्रवेश निकालता हूं, तो वो साल जो है वो चंद्र के उसमें आया, वार जो है मतलब मंडे का हो गया या चंद्र का राशि का आ गया, ऐसे। अब उसमें हो रहा उनका भी फिर तत्व होगा, तो उस वाले साल वो वाले तत्व ज्यादा एक्टिवेट होंगे या उनसे। लग्न का जो मुंता होता है ना, मुंता और लग्न का जो स्थिति होती है, वो तत्व ज्यादा काम करते हैं, और इसके साथ में नवमांश का लग्न का भी तत्व काम करता है। क्या होता है, वो 200 बार उसी मन का हो गया उसका, लेकिन वो बदल रहा है, लेकिन उसकी जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य हम क्या बोल रहे हैं, भविष्य होता है वो लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव, हाँ मार्ग कोई भी, अब मैंने वही तो बताया, मार्ग कोई भी यूज कर सकते हैं आप, रेलवे का भी कर सकते हैं, कार का भी कर सकते हैं, जहाज से भी कर सकते हैं, प्लेन से भी कर, मार्ग अलग अलग है, लक्ष्य भविष्य का है उसका। ये लॉन्ग भविष्य का सोच रहा है कि शॉर्ट भविष्य का सोच रहा है, कि पीछे ही जो जमाने में चले गए उन बातों को लेके पकड़े बैठा है, उसको माइंड रीड करने का एक एस्ट्रोलॉजर को आना चाहिए, तब आप लोग सही दिशा से उसको पकड़ सकते। यहाँ पे हम बेसिक सिद्धांत नहीं सीख रहे हैं, आपको उसकी कुंडली देखने बाद उसके दिमाग में आगे का लक्ष्य क्या है, अभी का लक्ष्य क्या है, पीछे गए हुए इसमें क्या लक्ष्य के लिए उसने प्रेरित किया है, ये जानने के लिए काम आता है। तो आप कह रहे हैं सर, ये जो एलिमेंट है इसको हम ताजिक प्रश्न या वर्ष इसमें तिथि प्रवेश वगैरह में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जी मेन कुंडली से पहला आप उसका पूरी तरह से जानकारी ले लो, जी फिर उसी पे पता चलता है 99%, आप उसके अंदर और जोड़ बोलते ना लगा सकते। लेकिन ये सिद्धांत तो पहले देखो, तो अगर प्रश्न कुंडली भी निकालते हैं तो वो भी तो जन्म कुंडली के जैसे ही काम करता है, और ताजिक पद्धति भी निकालते हैं तो लग्न कुंडली का जो साल भर का फल होता है उसमें तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन रोज ताजिक पद्धति तो नहीं देख सकते ना आप। जी 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 मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम लोग ये छोटे छोटे प्रिडिक्शंस करते हैं या सवाल, उसमें भी ये एलिमेंट को ला बहुत सकते बहुत हर एलिमेंट इज पुर्जा बोला मैंने, पुर्जा का मतलब क्या होता है, हर जगह पे इसकी जरूरत होती है, हम उस चीज को खाली हम क्या करते हैं, रट्टा मार के रखे रहते बहुत सारे लोग तो, कि ये राशि का ये भविष्य ये ऐसा नेचर होता है, लेकिन वो नेचर आने का कारण क्या,
उस तत्व से निर्भर करता है। खाली अभी एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव का मतलब क्या है? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है, इज मोर एक्सपेक्टेशंस। मेरा सवाल पूछने का ये था सर, मान के चलिए मैंने किसी इंसान को एक जमाने में देखा है, बहुत ही एग्रेसिव था, बहुत कुछ करता था ऐसे, फिर अचानक उसने एक रिटायरमेंट सा ले लिया या वो आराम से ही रहता है, तो ये तत्व जो ये तत्व ही आपको पता कराएगा कि ये फ्यूचर में कैसा रहेगा। ओके, भविष्य का सोच के आज आज कुछ भी रहता है। देखो, एक तो खुद को पानी को नहीं पता है कि मैं किस दिशा से बह रहा हूँ और कौन से एरिया में बह रहा हूँ, जैसे वैसे व्यक्ति का मन होता है। लेकिन एक भविष्य जानकार को तत्वों के बारे में जब जानकारी आ जाती है ना, तो ये व्यक्ति कितने साल के बाद कैसे बदल सकता है, क्या लेवल तक बदल सकता है, तो बेसिक तत्वों का जानकारी होना जरूरी। जैसे मंगल ग्रह अग्नि तत्व का है, बुध ग्रह पृथ्वी तत्व का है, शनि ग्रह वायु तत्व का है और शुक्र ग्रह जल तत्व का है, तो गुरु आकाश तत्व का है। ग्रहों के पांच तत्वों का हमने लिया। सूर्य चंद्र क्या है? तो सूर्य अग्नि है, तो चंद्र जल है नैसर्गिक, लेकिन सूर्य का किरण से ही वनस्पति के अंकुर फूटते हैं और चंद्र के प्रकाश से, यानी सूर्य का प्रकाश टर्न होके चंद्र से हमारे पृथ्वी जब गिरता है, वही बीज फूल बनते हैं। औषधियां गुण जो होती है ना चंद्र से होती है, बोलते ना जी। तो ये क्यों हो गया? ये तत्वों से है सब। अग्नि फोड़ती है उसको और जल उसको सींचता है, इन दोनों के जो ग्रेविटेशनल पावर होती है ना, वो आकाश तत्व से कनेक्ट होती है। तो कोई चीज कैसे बन रही है, इसलिए तो गुरु शब्द हमको क्यों बोला गया है? जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो किसी को परिवर्तन कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, वो ताकत रखते हैं। तत्वों का जब ज्ञान रहेगा ना, तो आपके अंदर वो परिवर्तन करने की शक्ति होती है, वो अपने आप चलेगा। मैं जब सिद्धांत सिखा दूंगा ना, तो आपको ये जरूरत नहीं कि आप उसको खाली दो चार बार से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये कैलकुलेशन कैसे लगाऊं, इस ऑटोमेटिकली वर्क है। जी सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, सबसे पहले थैंक यू, बिकॉज ये एलिमेंट्स के बारे में मुझे बहुत पहले से ही एक फोकस रहा है, और मैंने मतलब मेरा एक रिसर्च भी एलिमेंट्स के प्रति पहले से रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेडिक्टिव पार्ट में रूट कॉज लेवल पे चीजों को बताते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि मतलब मैच मेकिंग में भी एक्चुअली रेमेडियल ये एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, हम एलिमेंट्स के थ्रू देखते हैं सामने वाले का। मैं सर ये जानना चाह रहा था सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे फायर का वाटर ऑपोजिट होता है, फायर को हील करने के लिए हम या तो एयर वायु तत्व को या अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व को कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो सर मेरा ये जानना था कि क्या हम इसके रेमेडियल पार्ट पर फोकस करेंगे, कि किसी तत्व अगर कोई तत्व बढ़ जाता है, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि अगर अग्नि तत्व का फायर जल तत्व से उसको प्रॉब्लम होती है, तो वायु तत्व या पृथ्वी तत्व से हम उसको बैलेंस करते हैं अग्नि तत्व को, तो क्या हम ऐसे रेमेडियल पार्ट पे भी फोकस करेंगे इस वेबिनार में? वो तो उपाय तो मेरे इसमें तो रहते ही है। और अच्छा। दूसरी बात क्या है कि जो आप बोल रहे ना, मैं आप जल और अग्नि दोनों शत्रु है, ये गुरु सूर्य और मंगल, चलो गुरु और मंगल ले लो, या नहीं तो बुध शुक्र शनि, ये तीन का ग्रुप बनाने, बुध शुक्र शनि का। बुध शुक्र शनि जो है ना, वायु और पृथ्वी तत्व, ये दोनों शत्रु है, लेकिन दोनों को दिया गया है बुध शुक्र शनि के अंदर में। आप कभी देखा है, सोचा है? तो क्यों दिया गया है? तत्व तो बुध शुक्र शनि की जो राशियां होती है उनके तत्व वायु और पृथ्वी शत्रु होते हैं, लेकिन दोनों के जब मालिक एक ही बन के बैठ जाते तो हम शत्रु नहीं मानते ना उसको, कुंडली मैच मेकिंग में भी। सर वो बुध दिग्बली होता है पूर्व में, इस रीजन कुंभ में समझो कुंभ लग्न है, और मिथुन कन्या का जो षडाष्टक योग बनता है, प्रीति षडाष्टक योग बोलते थे, शत्रु कहां बोला गया? जी जी जी
तो तत्वों का अलग गणित है, कि तत्व जब होते हैं ना तो षडाष्टक योग भी प्रतिषडाष्टक बन जाता है। तो हमको तत्वों को मिलाना इम्पोर्टेंट है और तत्व को पूरी तरह से जाने आप, तो तत्वों को आप कैसे इस्तेमाल करें, जैसे मैंने भी अग्नि तत्व के बारे में 50% तक जानकारी ली, तो आपको मालूम हो गया कि नियम अग्नि तत्व की राशि से देखा जाता है, एक सिंपल वर्ड आप निकाल सकते थे, भविष्य अग्नि तत्व की राशि से देखा जाता है। तो ये व्यक्ति आ रहा है, अभी उसकी दशा कैसी है वो अलग बात है, ये आदमी आगे के बारे में बुरा सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, या ये अपने नियम पे चलता है कि नहीं चलता है, सिर्फ आप अग्नि तत्व की राशियों को देख के चेक कर सकते हैं, वो राशि में ग्रह बैठे हैं नहीं बैठे हैं, उसके नियम कैसे हैं, ये आपको जानकारी आ जाती है। अगर आपने देखा ही नहीं तत्वों के बारे में तो उनको जानकारी कैसे देंगे आप जी? भविष्य के बारे में सोच रहा है लेकिन बुरा सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, कैसे सोचेंगे आप? तो हम ये बैलेंस करने की प्रक्रिया को भी जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा तत्व बढ़ जाता है, उसको बैलेंस को बैलेंस करने वाला आकाश तत्व होता है जी, जो अपने हाथ में नहीं है वो सब कुछ वो करने वाला वो रहता है, तो उसको इसलिए तो गुरु को महत्व दिया गया है। और उस बैलेंस को कैसे करेंगे आप, तो अलग अलग वो तो बहुत सारे उपाय हैं, तो मंत्रों का भी आकाश तत्व से कनेक्ट है, मंत्र से साधना होती है, तो उसके उपाय वैसा कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे अग्नि वाले को जल ज्यादा पीना चाहिए, ऐसा नहीं होता, अग्नि ज्यादा है तो जल पी लो, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं सर, मैंने तो ये देखा सर, अग्नि और जल तत्व आपस में उनका जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का एनिमिकल रिलेशनशिप है, तो उसको बैलेंस जो करता है वो वायु तत्व करता है या पृथ्वी तत्व करता है, इन दोनों की रिलेशनशिप से वो ऊर्जा जो बैलेंस होती है, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट पर पूछ रहा था कि मेरे को इसको और जानना था, तो क्या इस, क्योंकि ये रेमेडियल पार्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देखो, तो बस मेरा वही, अग्नि और जल हमारे शरीर में पांचों तत्व है, हम लोग बैलेंस में है, और आकाश तत्व ज्यादा बैलेंस होता है ना तो उसको ज्ञान ज्यादा होता है। तो सर एक रिक्वेस्ट थी कि हाँ, सर पहले आप प्लीज चारों एलिमेंट्स का बता देंगे और उसके बाद में ये जो कनेक्शंस हैं वो भी उसके बाद डिस्कस हो, क्योंकि अभी हम अग्नि तत्व से आगे नहीं गए हैं, अभी तो तीन तत्व और बाकी है। हाँ तो वो वेबिनार में पूरा बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बता देते तो भी आइडिया आता है। आज आज भी थोड़ा बताइए ना, तो बातचीत तो वही चल रही है ना, अग्नि और वायु के बारे में ही चल रहे ना जी। अभी ये पूछ रहे तो के आकाश का भी तत्व का जानकारी मिला, अग्नि का भी मिला है, वायु और जल पृथ्वी का भी मिलेगा कि क्या सिचुएशंस होते हैं इनके। आप अंदाज तो लगा सकते हैं लेकिन उसको पकड़ना, अंदाज लगाना अलग होता है, उसको एक रूट से जाना ये अलग बात होता है, रूट इज इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला कि अग्नि और जल को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह पे, तो ये अग्नि और जल को कंट्रोल कौन करता है, तो पृथ्वी ही करता है, क्योंकि वही पृथ्वी, एग्जैक्टली पृथ्वी करता है, और उसमें दोनों के अंदर जो एक साथ में पृथ्वी के अंदर जब कंट्रोल हो जाता है तो वो ब्लॉक की तरह हो सकता है, उसके लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए वायु रहता है अंदर। तो यही सीखना है, मतलब वो यही रेमेडियल पार्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेना कि कैसे उसको बैलेंस करना, तत्व मीमांसा होता है, तो हमको उसमें नहीं जाना है, हमको क्या देखना है कि ग्रह इस कुंडली के लिए क्या कैसे काम करता है। जैसे अभी जल तत्व का ले लेंगे, चलो एक पार्ट में थोड़ा सा जल का भी बता देता हूँ। जल तत्व क्या है, चार्ट ले लो, चार्ट किसका ले, अभी किसका दे, आया हुआ है 27/12/1991, तो एक डाल दो ना इसमें, आपके पास है कि मैं लैपटॉप चलो पूरे अपना। सर नहीं, मेरे पास सर वो नहीं है, जे हो रहा नहीं है एक्चुअली, नहीं है, एक मिनट मैं अपना, ये है दीपेश सर का है, दीपेश सर नहीं, मेरे हिसाब से निकालता हूँ, चलो ठीक है सर आप निकाल दीजिए, नहीं तो फिर मैं दीपेश सर को बोलता हूँ वो स्क्रीन शेयर करके अपना चार्ट दिखाते हैं। नहीं होस्ट बनाना पड़ेगा फिर, नहीं मेरे पास है, मैं ओपन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक 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 ओके, मैंने आपको को होस्ट है, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो आई होप चार्ट के साथ में ना सबको क्लियर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को ना ये चीजें ऊपर से जा रही है तत्वस बेसिकली, तो सर एक चार्ट के साथ में एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे तो आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे बेसिकली, क्योंकि अभी किसी के एग्जांपल भी आया है कि गिव अ चार्ट एग्जांपल टू क्लैरिफाई,
तो अभी देवीचंद सर एक चार्ट लेके आपको जो तत्वज का हर एक तत्वज का बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे, वो उसमें आगे के एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे सर। इसमें डेट क्या है, नाम कुछ है? मोहित नाम है मोहित। सर मेल डेट है और डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1991। टाइमिंग 9:54 AM 9:54 सेकंड भी दे रखा उन्हें, 06 सेकंड। अच्छा टाइमिंग सर प्लेस है पोरबंदर। मोहित सर अगर आप हैं तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए सारी डिटेल्स ओके है ना आपका। Wasn't it 27/12/1991? 27/11/1991 है ना? 27/12 है, sorry 12 12 है, December है sir. और आपका ये वेबिनार tentatively कितने ड्यूरेशन का होगा? सर 3-4 घंटे का होगा। ओह थैंक यू। अभी देखो इनका मकर लग्न आ गया पृथ्वी तत्व और सिंह राशि आ गया अग्नि तत्व और सूर्य आ गया अग्नि तत्व। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो एक बार एक कमिटमेंट कर देते ना, मजबूत कमिटमेंट करते हैं और बहुत आगे का सोच के कर। मोहित जी, मोहित जी यस सर, आपके कुंडली थोड़ा सा प्लीज आप एक्टिव रहिएगा, जो जो सर पूछ जी रहे हैं प्लीज बताते रहिएगा। जी समझ गया। अग्नि तत्व का राशि है आपका, अग्नि तत्व का सूर्य है और मकर लग्न है आपका, तो पृथ्वी तत्व आ गया। तो हार्ड वर्क करते हैं आप बहुत, क्योंकि मंगल शरीर लग्न जो होता है शरीर होता है, जी। और पृथ्वी तत्व तो आने से पृथ्वी तत्व तो सहन करने की ताकत आपके शरीर के अंदर ज्यादा रहती है, और अग्नि तत्व तो रहने से आप उस शरीर को फोर्स करते हैं, यानी हार्ड वर्क हो गया। और सर अग्नि ये क्या है फोर्स? बाइफर्गेट होता है तो ये राहु की वजह से है, क्योंकि वो भी अग्नि धनु है, लेकिन वो अग्नि ही राहु जो है ना वो जल वायु है एक्चुअली।
एक एसिडिक ग्रह गिना जाता है, केतु को हम अग्नि और आकाश गिनते हैं, तो राहु को हम जल और वायु गिनते हैं। तो हम राहु भी अग्नि में आ गया है, लेकिन आपका जल तत्व में मंगल बुध शुक्र आ गए हैं, तो ये तीन जब ग्रह एक जगह जाते हैं ना, तो उसका भी प्रभाव जल का भी आपको आता है। तो आप थोड़ा पीछे के पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते रहते और बहुत ज्यादा फ्यूचर का तैयारी कर, और प्रेजेंट टेंस में आपका वीकनेस होता है। हेलो, प्रेजेंट टेंस का कौन से तत्व है? देखो हमारे दिमाग में चार टाइप की सोच चलती है जी। फर्स्ट होता है पास्ट जी, दूसरा होता है अभी, यानी बोलते ना प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस जी, और एक नॉर्मल शाम का या कल का हम देखते हैं उसको प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जी, और एक होता है फ्यूचर फ्यूचर टेंस, जो साल भर, महीने भर, 10 साल, 5 साल, कितना लॉन्गविटी से सोच रहा है जी। तो इनके कुंडली में हेल्थ कॉन्शियस है ये जी जी, उसके लिए प्रॉपरली रोज जो अपना नित्य नियम है हेल्थ मंत्र करना, वो रेगुलर है। लेकिन फाइनेंशियल के अंदर हम देखने जाएंगे ना, तो ये बहुत आगे का सोचते हैं और प्रेजेंट में पैसा इनके पास नहीं रहता। बिल्कुल सर। और पास्ट की बातों में अटके हुए रहते हैं, इसने अभी इससे मैं कैसे निकलूं, अभी इससे मैं कैसे दूर जाऊं, या इस काम को मैं पकड़ के कमेंट कर दिया हूं, उसको अभी मेरे को निकलना है, हो नहीं रहा है, थोड़ा चौक हो जाता है। हाँ, नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, तो आपकी पूरी कुंडली में तत्व का ध्यान दे रहा हूँ। तो क्योंकि मकर लग्न आ गया, तो पृथ्वी तत्व का एक अंश आ गया, फ्यूचर भी सोच रहे, प्रेजेंट भी सोच रहे। पास्ट जो होता है ना वो जल तत्व से होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट जो होता है वो वायु तत्व से होता है, और प्रेजेंट फ्यूचर जो होता है वो पृथ्वी तत्व से होता है। सर ये जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, उसका कुछ बेनिफिट मिलता है? वो तो गुरु आपका अच्छा बैठा ना, सब एस्ट्रोलॉजी के सीखना है, या ये जो 8th हाउस में बैठा है, इस कुंडली के लिए गुरु बैड है, इन्हें विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन अग्नि तत्व में बैठा है ना, तो आपके पास कर्म और आपको घूमना पसंद आता है। और सर ये मुझे मतलब जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो लोग, हाँ, वो अक्सर मिल जाता है, मतलब बिना किसी, तो गुरु है ना अष्टम में, अकल्ट साइंस मैंने क्या बोला आपको, घूमना पड़ता है, अकल्ट साइंस का जो जगह है 8th हाउस, तो आपका गुरु जब बैठा है अग्नि तत्व में, तो आगे के भविष्य में भी आपको लोग मिलते ही रहेंगे। सर ये जो हमारे ओपोजिट धर्म के होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोई भी रहने दो, एक्साइटेड, हाँ उससे ज्यादा कनेक्शन आता है। और राहु रवि की होती है, गुरु की राशि में बैठा है ना, अपॉर्चुनिटी देने वाला जो धनु राशि है, भाग्य हम बोलते हैं, आकाश तत्व से कनेक्ट है ना राहु और रवि, राहु रवि, राहु को ऐसी वो तो यवन कहा गया है शास्त्र में, शास्त्र में इसको यवन ही कहा गया है, नहीं हिंदू धर्म से विरोधी कहा गया है। इनके चार्ट में जैसे इनका 4th हाउस है, वहां पे एरीज राशि है, तो वो तत्व जल तत्व से तो है नहीं, जल स्थान हो गया वो, लेकिन तत्व अग्नि आ गई जी, तो क्या ये सुख के लिए अच्छा हो सकता है, या वहां पे ये बदलाव की सोचेंगे, जैसे आपने कहा कि अग्नि तत्व है तो वो चेंज करना चाहता है, चेंज वो, तो इनके घर में रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, या ये नया घर और लेंगे, ऐसा होता है। ओके सर, इस तरीके से तत्व को हम देखेंगे। हाँ अग्नि है ना जी, अग्नि शुद्ध है, मैंने अग्नि को शुद्धता का नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले जी जी जी, तो शुद्ध कहाँ पे यूज हो गया यहाँ पे, तो इनका घर जो रहेगा एकदम क्लीन एंड चीट रहेगा, अच्छा रहेगा, सिस्टमेटिक रखते हैं। अब जब नैसर्गिक मोहित बराबर है बात जी जी सर, घर के अंदर भी सब सिस्टमेटिक ही रहता बस, है बस, क्यों, क्योंकि ये अग्नि तत्व आ गया, प्रिंसिपल लेके चलता है, घर के अंदर प्रिंसिपल रहता है। नैसर्गिक कुंडली में सातवें घर में पृथ्वी तत्व आता है ना, और यहाँ पे जल तत्व आ गया, अब यहाँ पे ये पास सेवेंथ हाउस में, हाँ जल तत्व आ गया जी,
तो इनके जो फैमिली लाइफ होता है या पार्टनर रहते हैं इनके, जो सामने जो लोग मिलते हैं वो इनके लिए प्यास बुझाने का काम करते हैं, यानी इनकी वैवाहिक जीवन थोड़ी सी तकलीफ भी रही तो भी सपोर्ट लेते हैं। या पास्ट का सोचेंगे, जैसे आपने कहा कि जल तत्व पास्ट को ले हाँ, जाते। तो पत्नी देखो हमको क्या देखना है, ग्रह जहाँ बैठा है उसका ज्यादा फोकस करना है पहले, तो अच्छा स्थानों को कब लेना है, एक ही पॉइंट लेगा, जल तत्व है तो उनका स्वभाव जो रहता है ना थोड़ा उथल पुथल के जैसा रहता, पानी की तरह। पानी में भी तीन प्रकार है, जी जो जी कर्क राशि जो होती है ना वो प्रवाह मंडल बहता हुआ पानी है, जी वृश्चिक राशि है ना वो खड़ा हुआ पानी है, और मीन वाला जो है ना खड़ा हुआ भी स्टेबल नहीं वो दबा हुआ पानी बोलते हैं। स्टेबल हाँ तालाब स्टेबल सा हो। समुन्द्र भी है लेकिन वो एक जगह नहीं है, वो उथलता है, मीन आता है। तो इसके पीछे रीजन है, मिथुन राशि जो है कर्क के पीछे वायु तत्व की द्वि स्वभाव राशि रहती है, तो द्वि स्वभाव का फोर्स लगा देती है जल तत्व को, तो वो क्या होती है उथल पुथल होती है। वृश्चिक राशि के सामने वायु तत्व होता है, पीछे तुला राशि चर राशि है, जी चर यानी क्या हो गया स्पीड, उसी के अंदर वो स्पीड बढ़ता है। और कुंभ राशि वाला कैसा स्थिर है, तो समुन्द्र स्थिर होता है वो। तो सर और जो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इनके सातवें घर में जल तत्व आया लेकिन उसका जो ग्रह है चंद्र वो वो अग्नि जाके तत्व। अग्नि तत्व पे जाके बैठा है, हाँ तो अब मुझे फोकस किस पे करना है, जहां पे जाके बैठा है? नहीं, चंद्र क्या है, हम तत्व क्यों देख रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानने के, अदर व्यक्ति के बारे में जानने के लिए नहीं। ओके जी उस व्यक्ति की स्थिति सामने कैसे रहेगी, तो चंद्र के जो कर्क राशि के जो चर और अग्नि जल तत्व है उस व्यक्ति को उस तरह के व्यक्ति मिलते हैं, सर चंचल स्वभाव मुझे वाले, या जो उनका जो पानी का उथल पुथल रहता है जल तत्व के, सौम्यता के, पृथ्वी से जल का मिलाप होता है ना, जी इसलिए तो मकर लग्न के लिए शनि चंद्र ऐसा विषय होता है। लेकिन मकर लग्न के चंद्र अच्छा गिना जाएगा ना पृथ्वी तत्व को, वही कुंभ को जी जी चंद्र अच्छा नहीं गिना जाता। जी तो हमको यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत कहाँ देखना है कि इस व्यक्ति का नेचर क्या सोच है इसके फ्यूचर की, तो आपको बाकी की प्रिडिक्शन आप बोलने के लिए जो जा रहे हैं वो सही ढंग से जाएंगे, जी ये कहना है मेरा। सर आपने वो नवमास का भी बोला था कि तो उसका लग्न मिथुन, कर। मिथुन का है ना यहाँ पे आपका नवमास, वो नवमास का देख सकते हैं क्योंकि नवमास हमारी इनर एनर्जी है, ये आउटर बॉडी पार्ट है तो इनर एनर्जी है, तो लग्न को खाली हम यहाँ पे देखना है, बाकी किसी चीज को नहीं, लग्नेश को भी नहीं देखना। हाँ ये तो बाकी यहाँ सर प्लैनेट्स को भी नहीं देखेंगे कौन कौन अग्नि राशि में, जैसे इनके शनि चंद्र और नवमास में राहु, नहीं, नवमास में नहीं सिर्फ नवांश में नहीं, ओनली लग्न। लग्न देखने, अच्छा नहीं तो आप सब कुछ लेते बैठेंगे तो आप जोड़ेंगे कैसे। एक कैलकुलेशन होता है ना, आप अगर भागाकार की तरफ जा रहे हैं या गुणाकार की तरफ जा रहे हैं या बेरीज की तरफ जा रहे हैं माइनस की जा रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले बनते हैं। आप सबको एक साथ घुसा देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप खुद सामने वालों को समझ नहीं, आप ही उलझ जाएंगे। सर सर मेरा एक छोटा सा इसमें ये क्वेश्चन था, जैसे अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस चार्ट को, लग्न चार्ट को देख के, कि अग्नि तत्व कहीं ना कहीं, जैसे स्नैपशॉट है कि राहु अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो अग्नि तत्व को थोड़ा सा दूषित कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य बेटर है अग्नि तत्व में, एक तरह से गुरु भी बेटर है, लेकिन राहु उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। नहीं तो नहीं अगर यहाँ पे अच्छा अभी ओके आपने अभी कुंडली पूरी नहीं देखी आपने, सर मेरा मैंने राहु शुभ जो और है कि अशुभ, वो शुभ और अशुभ ग्रह दोनों का काउंटिंग आपको जब तक नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं होगा। तो राइट 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 सर ये आप सही कुंडली के बोल रहे हैं। लिए तो सूर्य और गुरु दोनों अशुभ है, और राहु भी यहाँ पे नीच का हो गया, और 12वें स्थान में राहु बुरा फल नहीं देता, इसलिए गुरु की राशि में जाके भी ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति में चले जा रहे हैं। आप सोचो व्यक्ति तो सामने ही है हमारे। सर मेरा राहु जो है वो सर पीवीएस मेरा क्वेश्चन ये था सर कि नवास में है, तो मेरा वो पीवीएस है, पवित्र है। नहीं, हाँ 12वें घर में राहु खराब नहीं होता, और वो गुरु हाँ की राशि में बैठा है तो गुरु इसको लेके अच्छा नहीं है, तो बुरा स्थान का मालिक बुरे स्थान में जाना, तो राहु का जो तत्व है यहाँ पे अग्नि तत्व वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है सब तरफ की जानकारी लेके, तो इनके अंदर मोक्ष की इच्छा जाती है ज्यादा।
राइट। सर तो अगर हमको ये पता चले फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम इसको डीप एनालिसिस करेंगे जब आपका वेबिनार में, अगर कोई प्लैनेट किसी तत्व को स्पॉइल कर रहा है या खराब कर रहा है, जैसे हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जैसे मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और जो वृश्चिक में बैठा हुआ है। मैं एक बात बोलता हूँ, तत्व जो है ना किसी को खराब या अच्छा नहीं करते, ग्रह जब बैठते ना वो तत्व को लेके काम करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। करेक्ट सर, राइट सर, करेक्ट। तो क्या हम उसको फिर आगे बैलेंस करने की प्रक्रिया को समझेंगे क्या? मेरा पॉइंट मेरा वही है कि जैसे अगर कोई प्लैनेट है वो एफ्लिक्ट हो रहा है किसी तत्व में जाके, जो उसकी कंफर्टेबल एनर्जी पकड़ेंगे, एफ्लिक्ट को पकड़ेंगे ना तो रेमेडी अपने आप आ जाएगी। डॉक्टर पर जाएंगे, रिपोर्ट निकालेंगे आप लोग, रिपोर्ट आ गया तो डॉक्टर दवा सही दे सकता है, रिपोर्ट ही नहीं आया तो डॉक्टर दवा नहीं दे सकता। तो ये रिपोर्ट देने वाला काम करेगा कि व्यक्ति का वीकनेस क्या है। अभी मैं इनकी वीकनेस को कैसे बोलूंगा कि आपको किसी से भी पोलाइट बात करनी है। मोहित जी आप समझ रहे हैं? ओ सर क्यों, मतलब ये इसमें कौन सा तत्व आपने लिया? मैंने बराबर बोला कि नहीं बोला आपको? जी क्यों बोल रहा हूँ मैं कि इस तत्व में आदमी पोलाइट बात नहीं कर सकता। ऐसे तो शुभ ग्रह देख रहे दशम धन स्थान को, वाणी अच्छी है आपकी, लेकिन आपका जब आवाज बढ़ जाता है ना वो हार्मफुल होता है किसी और को। तो इसलिए पोलाइट बोलने के लिए बोला, क्योंकि अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व मिलके कठोर हो जाता है, उसके अंदर मृदुता खत्म हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के अग्नि पल रहे। जो बोला कि प्रेजेंट में पैसा नहीं मिलता तो वो प्रेडिक्शन अपने कौन से तत्व से लिए? सही बात है, लाभ स्थान में वृश्चिक राशि जल तत्व में तीन ग्रह बैठे आप, और आप भविष्य की चिंता करते जा रहा। अग्नि में जब ज्यादा राशि होती है, वही तो सीखा रहा हूँ मैं, सिंह राशि में और धनु राशि में आपके सोल और बॉडी लैंग्वेज, आपको डर ही नहीं है मैं तो कमा लूंगा, तो उसकी वजह से आप जो भी है आज का जो भी जमा रहता है वो पूंजी खत्म कर देते हैं। खत्म तो सर नहीं, मतलब मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। वही तो है ना, खत्म का मतलब कि आप कहीं लगा ही रहे ना, हाथ में तो नहीं है आपके। हाँ बस वही इन्वेस्टमेंट कर, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, भविष्य हो गया ना वो तो। हाँ। तो इसी के लिए ना जब आदमी ज्यादा भविष्य के बारे में सोचता है तो इन्वेस्ट करना चालू करता है। अच्छा, और वो भी सर लॉन्ग टर्म के लिए, तो शायद आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, उसका शेयर मार्केट में आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रहता है। मतलब ये गैम्बलिंग में मैं नहीं जाता, गैम्बलिंग नहीं बोला मैंने, लॉन्ग टाइम म्यूचुअल फंड बोला मैंने, लॉन्ग टर्म में जाता हूं जी। हां और शेयर में लॉन्ग टाइम के, हां 10 साल 8 साल। हां तो इसके लिए तो बोल रहा हूं क्योंकि भविष्य के बारे में सोचता है ना आपका दिमाग। ओके ओके जी, समझ गया। तभी आपका जो प्रेजेंट टेंस में इनकम जीते आप। जी हां अभी कभी सोचते हैं, क्योंकि अभी कभी जो सोचते हैं ना वो नहीं है आपकी कुंडली। हमारे पार्टिसिपेंट में से किसी ने जो 7th हाउस का मेरा बोला था ना, तो उसमें मुझे मतलब ऑपोजिट सेक्स से हेल्प ज्यादा मिलती है, जैसे कि मैं मेल हूँ तो फीमेल में चंद्र है ना, चंद्र है वहाँ पे, चंद्र जल राशि है ना, पृथ्वी को तो प्यार ही हो जल, फीमेल से ज्यादा हेल्प मिलती है पृथ्वी तत्व में। हाँ वो नियम ही है, और चंद्र आपका जो है ना गुरु के साथ में बैठा है, वो तो अलग बात है, हम तत्वों के बारे में जान रहे हैं। तो आपको इतना बोलूंगा कि आपका मैं सपोर्ट मिलेगा, ये वर्ड बोला था मैंने आपको। जी तो सप्तम में अष्टम में ज्यादा तो सपोर्ट नहीं मिलता बोलते लोग, लेकिन तत्वों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट मिलेगा। जी मिलता है। और ये सर ये सैटर्न दिख रहा है 7th हाउस को, हां बोलिए, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा 7th हाउस पे? क्या तुम सैटर्न देख रहे हैं ना 7th हाउस, देखने दो ना। अच्छा ये अच्छा सर, ये मंगल बुध और शुक्र जो 11वें में बैठे हैं जल तत्व में, सर इसके बारे में दो लाइन बोलेंगे? देखो मंगल बुध शुक्र, मंगल यहाँ पे अच्छा बात है, और इसको लेकर ले बुध शुक्र बुरे नहीं है, एक तो वो बात है, लेकिन ये तीनों शुभ ग्रह होके इस कुंडली में जल तत्व में जाने से ये पीछे के पास्ट के बारे में सोचते हैं, और थोड़ा सा इनको अट्रैक्शन होते रहता है अदर पर्सन से, ये बात है, वो जानना नहीं चाहते लेकिन दिमाग में पीछे कुछ रिकॉर्ड हुई चीजें उनके अंदर याद आती रहती है। बहुत कुछ मैं डीप में नहीं बता सकता। अच्छा पंचम में भी बहुत पसंद है, मतलब जो
पुरानी चीजें मुझे बहुत पसंद है। हाँ बराबर, नौ याद आते रहती आपके अंदर, घूमते रहते। हाँ, और वो जो स्कूल के डेज थे वो सब याद आता है, सब याद आता है, क्योंकि सब जो ग्रह है ना उधर चले गए, क्योंकि चतुर्थान का जो है प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और आपका जो कैरियर लाइन भी चला गया, वो भी जल तत्व में गया, तो उनके बारे में आपके सोचना ज्यादा चलता है। जी 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 सर, तो ऐसे में अगर किसी का मतलब वो है काल पुरुष वाली यानी कि मेष लग्न का है, तो उसके तो हर भाव में वो तत्व एक बार मौजूद है जो होने चाहिए। तो हर एक भाव में रहते हैं, लेकिन जब तक आपके कुंडली में ये नहीं दिखाता कि मैंने बोला ना सोल बॉडी एंड माइंड और बाकी का जो तीन ग्रह कहीं एक जगह करते बैठ गए, तो उसका असर ज्यादा हो। यही वृश्चिक राशि में इनका नहीं रहता तो ये फिर पार्ट में नहीं जीते थे थोड़ा भी। जी ओके, तो कहने का मतलब है कि वो भाव का ग्रह, उस तत्व का ग्रह किस में जाके बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। हाँ, क्योंकि नहीं क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। अभी शनि बैठा है मकर में तो इतना असर नहीं गिरेगा इनके ऊपर। जी, लेकिन वृश्चिक में तीन ग्रह बैठे, अगर हम पूरी कुंडली में देखने जाएंगे तो तीन ग्रह कहाँ बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे, तो जल तत्व में चले गए। जी, तो ये पास्ट में चले गए, ये जानबूझ के नहीं रहते, ये ऐसे ही रहते हैं मूड में, लेकिन लक्ष्य इनका भविष्य का रहता है। अब जैसे सर ये काम करेंगे तो इनके दशम भाव में सप्तम राशि है यानी पृथ्वी आ गया, तो यानी बड़ा स्थिरता रखते होंगे वहां पे। सप्तम सप्तम तुला राशि आएगी ना दशम स्थान में। वायु तत्व का था, लेकिन लक्ष्य उनका चर राशि का है, चर है ना, वायु में भी चर है वो। जी 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 जी, यानी उसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फट बोल के वहां तक पहुंचेंगे, काम सक्सेस नहीं मिला उसको बैक कर देंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। जी जी, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे, मतलब नहीं बदलाव नहीं करेंगे, ये वो लक्ष्य को पूरा पास में जाके देखेंगे, क्योंकि नेचर जो है ना सिंह और धनु का वो भी है ना इनके अंदर। ओके, तो ये क्या करेंगे, अगर वो तत्व नहीं है, पहला तो देखो कर्म कर रहे हैं आप, लेकिन आपके दिमाग और सोल क्या बोल रहा है और आपका माइंड क्या बोल रहा है, वो डिसीजन नहीं देगा तो कर्म कैसे करेंगे आप। तो इनका चौकड़ी लगाने का अधिकार होता है, इनके अंदर क्या होता है तुला राशि का जो वायु तत्व है ना, तो वायु तत्व कभी भी एक जगह नहीं रहता है जी। तो इनका कहीं भी जाने का तैयारी होती है, जाके घुस के वापस चले आते हैं रिटर्न, क्योंकि अग्नि तत्व है, जल तत्व रहते तो रिटर्न नहीं आते, वहीं अटक जाते हैं। ये तो आपने सर ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सही बात है। There is one more thing, sir. जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट से भी विचार या फीलिंग्स या प्लानिंग्स चेंज होती है क्या? अगर आपने लग्न कुंडली पढ़ना सीख लिया एक बार तो वो लॉजिक आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी इनकी हमने कुंडली लॉजिक लगाई तो आपको समझ में आया इनके नेचर के बारे में, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उन बिहेवियर को आप कैसे रोकना है और कौन सी दशा में बिहेव ज्यादा बढ़ेंगे, कौन सी अंतर दशाओं में बिहेव कम होंगे, फिर गोचर के भ्रमणों में इनके उस बिहेव को कैसे आप टैकल करेंगे। जैसे अभी लास्ट ईयर मई से लेके अभी ये मई तक का जो है ना, इनके बिहेव में एकदम हार्डवर्क ज्यादा नहीं था सर। वैसे 2013 से जो राहु की महादशा चली है ना, नहीं दशा नहीं बोल रहा हूँ, खाली 2023 के 22 के मई से लेके 2023 का मई, ये जो पीरियड गया था या जा अभी नहीं उतना भी नहीं, तो ये महीने के जो 5 दिसंबर के थे समय गया ना, थोड़ा ब्लैंक थे आप। जी जी जी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कुछ भी, फिर अभी 17 तारीख को आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, एक्चुअली आई ओपन माय कंपनी 17 तारीख को किया ना, 16 तारीख के बाद नवंबर में किया था मैंने। हाँ, लेकिन उससे काम चालू हो गया अभी। हाँ, लास्ट वीक नवंबर में किया था। नहीं, उसका जो एग्जीक्यूटिव जो डेवलपमेंट हुआ ना, अभी 4-5 दिन से हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये नंबर 9 जो है मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। आपका 9 ना फेवरेबल है, वो तो नंबरिकल अलग है, हम यहाँ पे तत्वों की धारा है, तत्व में जाओ। अच्छा अच्छा, नहीं वो शायद मंगल की वजह से मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, तत्वों का ही यहाँ पे तत्व देख रहे तत्व, क्योंकि वो 9 नंबर जो होता है ना, वो आपका इंडिविजुअल
अग्नि तत्व का बलवान है तो अग्नि तो आएगी हमारे हिसाब से, हम वो न्यूमेरिकल नहीं देखता हूँ मेन तत्व, हम कुंडली देख रहे तो कुंडली में जाओ फोकस है, मैं तो न्यूमेरिकल भी सीख लिया हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन आंसर जब हम जिस तरह से देख रहे उसी को देखेंगे तो रिजल्ट सही आएंगे। सर एक क्वेश्चन था कि ये चलित कुंडली में ये ग्रह इधर उधर होते हैं तो वो देखना चाहिए कि मेन कुंडली देखनी चाहिए? मेन कुंडली पहले देखनी है तत्वों के लिए। ओके। हाँ, ग्रहों का अगर रिजल्ट फॉर्म में अब दशाओं में या प्रंतर दशाओं में जाना है तब जाके वो मैं तो कष्ट को देखता हूँ जो केपी सिस्टम होता है। ओके। सर मेरा एक प्रश्न है सिर्फ वर्कशॉप के रिगार्डिंग यानी वेबिनार के रिगार्डिंग। वेबिनार में सर अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हम नवमांश में सिर्फ नवमांश का लग्न डॉट लेंगे या लग्न में जो उदय लग्न हो रहा है नवमांश में उसको देखेंगे, तो अभी मेरा प्रश्न यह है कि जो एस्ट्रोलॉजर नवमांश अधिक लगाते हैं या जो लोग नक्षत्र सिस्टम पे जाते हैं, क्या इस वेबिनार में उनके लिए ये चीज लाभदायक होगी? तत्वों का तो नो डाउट हमें राशि चार्ट में आप बड़े अच्छे से कोरिलेट करना बताएंगे और सीक्वेंस में हम सब चीज सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी प्रश्न यह है कि जो लोग नवमांश लगाते हैं अपने प्रेडिक्शंस के लिए, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट किस तरह से यूजफुल हो सकता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। देखो अभी मिथुन का इनका नवमांश है यहाँ पे, तो इनका जो नेचर होता है ना, ये कौन सा तत्व आया, वायु तत्व आ गया, तो ये वायु तत्व क्या है, एक जगह नहीं रहता जी और हर जगह कनेक्ट है, तो हम इनको बोल सकते कि ये कहीं भी जल्दी से कनेक्ट होते हैं, इनके इनसाइड भी वो माइंड चलता है, ये जो इंजन है नवमांश जो है ना इंजन है जी, और कुंडली जो है वो गाड़ी का मॉडल है जी, सूर्य जो है ना वो उसके अग्नि वो बैटरी है चालू होने की गाड़ी जी, और चंद्र जो है ना उस प्रॉपर उसको गाड़ी चलाने का मोमेंट दे देता है, और दशा अंतर दशा जो है ना वो रेस है ब्रेक है, तो समझो मैं हर बार ये बात समझाता हूँ किसी को भी कि जरूर ये जानकारी रखो, ये इसी व्यक्ति कुंडली जो है ना हम जब पहली सांस लेते हैं ब्रीथिंग उस टाइम का ये आपका हार्ड डिस्क है या एप्पल या एंड्रॉयड आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जी, उसमें जो आज नए ऐप आ रहे ना वो हमारी आज की ब्रीथिंग है, उसको गोचर बोलते हैं जी, तो जब ये तत्व चलते हैं तो उन तत्वों में क्यों तत्वों को लिया गया है कुंडली में, तो तत्व की बिना कुंडली है ही नहीं, तत्व की अगर बेसिक जानकारी आपको अच्छी से रही तो आप उसको लॉजिकली कहीं मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूँ आप लॉजिकली कितना भी स्पेंड कर सकते, जैसे टेबल आपको 20 तक आ गया तो आप कितने भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये नहीं कि मैं ये कुंडली पे ही लागू हो गया ये कुंडली पे नहीं लागू होगा, ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप इसे नवमांश से भी डिटेल में कोरिलेट कर सकते हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेन ज्यादा डीप नहीं जाके कल लग्न का ले लो क्योंकि मेजर तो आपको यहाँ पे इफेक्ट मालूम होता है मेन कुंडली में। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कुछ सवाल? सर मेरा एक प्रश्न है कि अभी जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है, पर मानो कि चंद्रमा 1 डिग्री पे है या 29 डिग्री पे है, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा कि पीछे या आगे वाली राशि का कोई तत्व का कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं, आगे पीछे का तत्व का राशि का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक बार उसने अग्नि का ले लिया है तो अग्नि है। हाँ, डिग्रिकल जो हमारे पास मूर्त अवस्था या बाल अवस्था है वो हिसाब से देखने जाएंगे तो वो अलग पार्ट है, वो तो अलग है। हाँ, लेकिन तत्व तो तत्व है, वो आग है। एग्जाम्पल आप ले लो, आप छोटा सा लाइटर का छिटका ले लो या आग का बड़ा सा झटका ले लो, झटका तो बैठेगा ही। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये अगर कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठता है तो वो अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो मतलब अग्नि तत्व नहीं आता है, वहां तक तो जाना ही नहीं है, पहले यहाँ तक आप सीख लो पूरा। ओके, नहीं तो क्या होगा, आप नक्षत्र के अंदर जाएंगे उसकी मिक्सअप करने को आपको आना चाहिए, मैं तो जान लेता हूँ मिक्सअप करना आना चाहिए आपको। सर रॉ मेटेरियल बहुत दिए हैं लेकिन ये 4 मेटेरियल से आप पहले क्या तो एक व्यंजन बनाना सीखो, उसके बाद दूसरा और उसके अंदर और स्पेशलाइजेशन बनना है, फिर उसके लिए भी अलग क्लास रखेंगे, बोले इसमें मजबूत बनो यही यहीं पे आपको रास्ता सही मिल जाता है। आपको
बताने के लिए, किसी को गाइडेंस देने के लिए ये बहुत जरूरी है, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने वो सौराष्ट्र का बोला था, तो वो क्या पॉजिटिव सौराष्ट्र का प्रीति सौराष्ट्र? प्रीति सौराष्ट्र यानी पॉजिटिव होता है। जब दो ग्रह भिन्न, जो दो राशियां हैं भिन्न तत्व के रहने के बाद, शत्रु होने के बाद भी वो उनके अंदर में दोनों एक ही फ्रेंडशिप रहने से वो लोग अपोज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मकर, मकर और मिथुन, और मकर और सिंह, दोनों में मकर और मिथुन दोनों बुध और शनि के अंदर में आते हैं। बुध शुक्र शनि जो है ना पृथ्वी और वायु तत्व के कनेक्टेड है, और सूर्य चंद्र मंगल गुरु अग्नि और जल से कनेक्ट है। सर फिर से बोलिए एक मिनट, सूर्य मंगल, सूर्य मंगल गुरु चंद्र अग्नि और जल का एक ग्रुप बनता है, और शुक्र बुध शनि जो है ना वो वायु और पृथ्वी का एक ग्रुप बनता है। मतलब ये ग्रह अगर सौराष्ट्र में है तो भी वो अच्छा ही करेंगे। हाँ ये एक ग्रुप के, हाँ एक ग्रुप के। ओके तो सर यहाँ पर शनि और केतु अच्छा करेंगे तत्वों को? नहीं नहीं, तत्व के खाली लग, उन्होंने पूछा था मैच मेकिंग इसके हिसाब से शनि और केतु एक नहीं होंगे, आप ये अलग बात होगी। बुध की राशि में जा रहा, बुध राहु, बुध यहाँ पे गुरु, हाँ बुध की राशि में बैठा है तो बुध के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन तत्व जो है ना, हम अगर बुध का अभी रवि राहु बैठा है तो हम बोलेंगे अग्नि तत्व से कनेक्ट अच्छा हो रहा है, तो सूर्य से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो सोचते है वैसे ही करते, मोहित जो सोचते ना वही करते, बाकी कोई कुछ बोले कुछ फर्क नहीं करता। सिंगल ग्रह का असर नहीं पकड़ने का, पहला लग्न का एक पकड़ने का, सूर्य का पकड़ने का, चंद्र का पकड़ने का, जब दो या तीन, तीन का ज्यादा प्रभाव होता है दो से, तो तीन इनके बैठे हैं कुंडली में, तो वृश्चिक का असर इनके अंदर थोड़ा आ गया पास का, नहीं तो वो भी नहीं आता। तो सर तत्वों से बेसिक स्वभाव मालूम पड़ेगा ना व्यक्ति का, उसकी कार्य की प्रणाली, स्वभाव के साथ में कार्य की प्रणाली, हाउ टू रिएक्ट इन योर एटीट्यूड। अच्छा वो अपने हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तभी तो वो डिसीजन ले सकेगा ना। अगर रिएक्ट करने का मतलब क्या है, डिसीजन लेना है, डिसीजन तो बहुत लोग दिमाग में बहुत लेते हैं, इन अप्लाई कौन कर रहा है? जी जी जी, अप्लाई करके उसको हासिल कौन कर रहा है? हमारा बॉडी करता है, हासिल भी करना चाहिए ना, तो ये हासिल होगा कि नहीं होगा, तो भविष्य करता भविष्यवर्ता सोचेगा तो हासिल करेगा, या पास्ट का कुछ सीख के प्रेजेंट में जीने वाले लोग रहते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट में सीखे प्रेजेंट में जीने वाले रहते हैं, प्रेजेंट का देख के फ्यूचर में जीने वाले लोग रहते हैं, तो ये कौन सी गलती कर रहा है आज उसकी कुंडली के हिसाब से, तो वो आगे फ्यूचर में क्या रिएक्ट करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हमको पता हो जाता है। अगर आप बेसिक के सिद्धांत सीख लेंगे ना कि अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, हम गुरु देख लेंगे फाइनल हो गया, बाकी राशि में तो नहीं देख सकते, लेकिन बाकी चार बारह राशियों में हम चार तत्वों को किस तरह से बेसिक, मैंने एक अग्नि तत्व का थोड़ा जानकारी दिया और दूंगा मैं आगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर मालूम होगा कि ये आदमी कहाँ तक सच में अपने कमिटमेंट पे खड़ा है, या उसके नेचर में जो बदलाव आप ला सकते हैं क्या, तो उसको कैसे बात करेंगे आप उस तत्व वाले को, जैसे जल तत्व वाले रहेगा तो आप उसको बात कैसे करेंगे, पास्ट में ही जीता है उसको भविष्य की बताओ, अगर अग्नि तत्व वाले तो बोलता हूँ प्रेजेंट में जीना सीखो बोलते हैं उनको, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। जी जी जी, समझ गया जी। और कुछ किसी का सर कोई शनि और सूर्य और सौराष्ट्र मतलब राशि आ रही है, और वो दोनों अलग ग्रुप के हैं, मतलब कौन सा शनि और सूर्य, एक तो वो एक दूसरे से उनकी राशि जो है वो सौराष्ट्र है, और दूसरा कि वो दोनों का ग्रुप जो है तत्व का अलग है, इसलिए तो शत्रु माना गया है ना। हाँ इसलिए तो सूर्य और शनि को शत्रु माना गया है। अच्छा मतलब वो दोनों अगर साथ होते तो अलग रिजल्ट मिलता ना, साथ होना तो अलग बात है, उस कुंडली के लिए अशुभ होता है तो रिजल्ट खराब हो जाता है।
यहाँ तो ये दो एक मतलब एक शुभ और एक अशुभ है, इससे ये दूर है, अच्छी बात है। अच्छा इस तरह से सोचना। हाँ तो तत्व जब मालूम गिरता ना, अभी इनका क्या है वायु तत्व है लाभ संस है, तो इसलिए इनका फाइनेंस से रिलेटेड काम रहता है। जो चर राशि है ना वो लाभ स्थान में चले गया, और चर वायु तत्व है, दशम स्थान का बात कर रहा हूँ। चर यानी स्पीड होगी, कार्य करने की प्रणाली के अंदर स्पीडनेस बढ़ेगी। ये हम देख सकते हैं कि ये डिसीजन क्विक ले लेते हैं और बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि दशम स्थान का मालिक अच्छी जगह पर बैठा है और तुला राशि चर राशि है, यानी अपने कार्य कर्म इनकम सोर्स के लिए स्पीडनेस रहती है। और तत्व क्या है वायु है, तो सभी तरफ ध्यान देते हैं, वायु क्या है सभी तरफ रहता है, मकर लग्न वाले ज्यादा करके देखो सभी तरफ ध्यान रहता है, क्योंकि तुला राशि दशम स्थान में आया लेकिन वो शुभ स्थान में बैठा है। तो पहले तत्व जानो, नेचर जानो, नेचर से ही आप आंसर, नेचर अच्छा है कि भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर ये भविष्य के बारे में नहीं सोचते, यही कुंडली बैठी है और सूर्य और चंद्र समझो जल तत्व में ही चले गए रहेंगे, या पृथ्वी तत्व में चले गए हैं, तो क्या होगा पास्ट का लेके प्रेजेंट में ही जी रहे, बस फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे, तो बहुत बड़ा डेयरिंग नहीं कर सकते। और किसका सवाल है कुछ? सर आप वेबिनार में कितने चार्ट डिस्कस करेंगे अराउंड, या सिर्फ थ्योरी ज्यादा रहेगी? थ्योरी ज्यादा रहेगी, चार्ट तो देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आप चार्ट 10 लगा लो, आप सब पे बैठना चाहिए। सर मगर थ्योरी को ब्लेंड करके हम लगा पाएंगे या नहीं, इसका कैसे मतलब शर्ट नहीं आएगी? जो फार्मूला देंगे ना, अभी मैं बोला अभी आपको, आपकी राशि क्या है? सर धनु। तो आप आगे की सोचे ना, यस ये सिखाएंगे क्या बोल के, यस सर। हाँ सिंपल है, एक वर्ड्स जो है ना कि आप आगे की सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, या कोई और राशि वाला रहता तो उतना नहीं सवाल करता, समझ भविष्य मैं इतना पे कर रही हूँ पैसा जो उसका मेरे को फल होगा कि नहीं होगा, फैक्ट लॉजिक है इसमें, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा ना देखो जी। अगर मैंने ये फीस रखने के लिए इतना बोला है तो क्यों बोला है, देखो खाने में खाना बहुत अच्छा बना रहे, नमक कितना डालना है, अगर नमक का प्रमाण आपको पता नहीं रहेगा कितना लेना है, वो खाने का स्वाद क्या, ये तत्वों का खाली स्वाद के हिसाब से हिसाब करना, पूरा भविष्य बताने के लिए आपको ये नहीं है, आप बहुत कुछ सीखे हुए हैं जी। वे बढ़िया, आप तो कह रहे थे ना कि सैटरडे फ्राइडे सैटरडे में पेपर बन वो हो जाएगी रजिस्ट्री, तो अभी रजिस्ट्री ऑफिस खुली नहीं है क्या? सर आप कह रहे, आप इस चार्ट में बहुत कुछ बता रहे हैं जैसे अच्छा, मतलब के बारे में, दशम भाव के बारे में, तो आप उनके लॉर्ड्स को लॉर्ड्स किस राशि में उसका नेचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ, तत्व का बात कर रहे हैं ना, ट्यूजडे को मान लो, ट्यूजडे को मतलब वो तत्व भाव की राशि और उसके लॉर्ड की राशि दोनों का कॉम्बिनेशन, तत्व क्या करते हैं उस व्यक्ति को पुश करते हैं, उसी दिन चेक दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। नितेश सर जी कोई बुक बता दे, मैं चेक की कॉपी आपको भेजता हूँ। ठीक है, नहीं अभी नहीं करी, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं करा दूँ। नितेश मैं तो किसी को म्यूट करना पड़ेगा शायद, मैं उसकी रिसिप्ट करवा के कर देता हूँ, मैं आपको एक 89 का चेक करा देता हूँ, मतलब ठीक अरे भाई ठीक है क्या, बंद करो ना, म्यूट करो, क्या कर रहे हो? नहीं वो कहाँ पे, नहीं मालूम, कैश दोगे उस दिन रजिस्ट्री, सर आप होस्ट रहेंगे ना तो सर आप कर सकते हो उसको म्यूट, उसमें जाके राइट क्लिक करो। कहाँ पे उमेश जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, उमेश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ
ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपको चेक ड्रॉप करूं। इट्स नितेश सर, उसके नंबर भी नहीं मेरे पास। यू आई कैन नॉट, कोई है और? ठीक है नितेश जी, म्यूट कर देंगे नितेश जी, मैं कराता हूं। ठीक है बंद हो गया, ओके। सर कोई बुक बता दीजिए रेफरेंस के लिए। बुक तत्वों के बारे में बुक नहीं है कहीं पे भी। अच्छा मैंने कहा कोई ऐसे हो, अभी कुछ तत्व बोधनी करके कुछ बताया था ना आपने। नहीं सर, ये मोहित जी के चार्ट पे अगर आप आकाश तत्व के बारे में भी बताएंगे तो, क्योंकि गुरु का क्या रोल प्ले हो रहा है इसमें। तो गुरु का आकाश तत्व से कनेक्शन है, पहले ही बताया ना मैंने इनके चार्ट में स्टार्टिंग में, तो वही बताया क्योंकि अग्नि तत्व से कनेक्ट कर रहा है और ये जो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जा रहे हैं तो गुरु के हिसाब से जा रहे हैं बोला मैं, आगे की उसी की फ्यूचर के बारे में सोच के ये कर रहे हैं और मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं। बोले याद है आपको गुरु जो है ना सर, वो तो समझा आपने, ये भी कहा था कि आकाश सब तत्वों में विद्यमान है थोड़ा थोड़ा, तो इस चार्ट में अगर हम उसको कुछ कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि बाकी ग्रहों से क्या कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने वो जानकारी दी कि आकाश तत्व सभी में है जी, हर एक राशि में आकाश तत्व का असर होता ही है, सबने जानकारी दी कि कनेक्टिविटी जो बोल रहे थे ना कि कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पावर कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई तत्व कैसे रह सकता है। हम अग्नि को भी देख रहे, जल को भी देख रहे, वायु को भी देख रहे, पृथ्वी को भी देख रहे, तो उनको सबको कनेक्ट कर रहा है तो आकाश तत्व, तो गुरु। अगर हम गुरु को देखने जाएंगे यहाँ पे तो अष्टम स्थान से कनेक्ट है, तो इनका जो आकाश तत्व का जो ताकत है पूरा वो अकॉर्ड साइंस की तरफ जा रहा है, और सिंह राशि में है तो वो कुछ नियम बनाना चाहते हैं सृष्टि के लिए, ऐसा इनकी सोच रहे, और इनके लिए गुरु ज्ञान बढ़ाता है। सर मेरे ख्याल में आपकी वर्कशॉप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 घंटे में भी टॉपिक शायद पूरा वाइंड अप हो पाए। नहीं नहीं, मैं तो मुझे पूरी आशा है कि बेसिक बेसिक तत्वों को मैं नमक की तरह इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि ये तत्व से ऐसा कैसे होगा वो क्या होगा, आप बेसिक सीख लिया उन तत्वों को लगाना चालू करो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगा के दिखाया, एक ही तत्व का लगाया तो दो तत्वों का लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो वायु तत्व का कोई रोल खाली केतु में आ रहा है तो सिंगल डिजिट का कोई काम नहीं होता है। मेरे ख्याल में हमें सारी चीज आपसे सीक्वेंस में सीखनी चाहिए, पहले एबीसीडी करके फिर कैट बैट डैट करके, तभी हमारे को ये इसका कुछ रहेगा, नहीं तो तब तक कंफ्यूजन होने का चांस है। कंफ्यूजन अभी तो आप लोग सीख गए अग्नि तत्व को कैसे देखना। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन और भी डीप उसमें सीख सकते हैं, और मजा आएगा, क्योंकि तत्व आप जब पकड़ेंगे ना तो उस व्यक्ति का सिचुएशन, उस व्यक्ति की थॉट प्रोसेसिंग को कहां तक वो लेके जा सकता है। हम एग्जांपल देंगे तो मोबाइल में हम बोलेंगे कि ये 64 GB का है, 125 GB का है, 8 GB रैम इसकी है, 12 GB रैम इसकी है, बैटरी बैकअप कितना है, हम चेक करके लेते हैं ना। जैसे ये भी मेष सिंह और धनु का अग्नि तत्व है, तो तीनों के बाइफर्गेशंस उनके क्या लॉजिक्स होंगे, वो कैसे किस तरीके से वो अपने गुणधर्म बताएंगे, वो भी हमको थोड़ा आइडिया लगेगा, राइट? क्योंकि तीनों अग्नि तत्व, लेकिन तीनों का हिसाब अलग है थोड़ा सा। हाँ सब तीन नहीं, दो चंद्र जो है और रवि, दो ही लग, मेष लग्न में तो लग कोई ग्रह बैठा ही नहीं। नहीं मतलब एक जनरल पूछ रहा हूँ मैं, ये तो चार्ट की बात हो गई, जैसे मेष और धनु और सिंह जो है ये अग्नि तत्व में, तो ये इन तीनों में क्या चर आ गया। हाँ और वीनस जो है वो वायु तत्व का है, ठीक है, तो मतलब सभी का सोचता हूँ, सभी सभी चारों ओर मतलब
देखो जल तत्व में आपका शुक्र गया है ना, आप जो भी कर्म करते ना, आप जमा करने की आदत रहती है आपकी, स्टोरेज करने। हाँ, और स्टोरेज को आप यूज नहीं करेंगे ना, वो स्टोरेज आपका कोई काम को नहीं आएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ना वो जल तत्व है लेकिन वो स्थिर है। दो पांच आठ ग्यारह के हिसाब से, हाँ दो पांच आठ ग्यारह में भी क्या होता है, स्थिर लगना है। हर एक तत्व को हर एक नेचर दिया गया है। एक तत्व को जो है ना, समझो अग्नि तत्व है तो अग्नि में चर भी है, स्थिर भी है और दिस्वभाव भी है अग्नि में। एक सौम्य अग्नि सूर्य को दिया गया, एक उग्र अग्नि जो है मंगल को दिया गया है। नेचर वाइज उग्र मंगल है और सौम्य सूर्य है, लेकिन दिखने में अग्नि हमको सूर्य की ज्यादा तेज दिखती है और मंगल की सौम्य दिखती है सृष्टि में। तो तत्वों को पूरा डीप से आप समझेंगे ना, तो आपका रिजल्ट बहुत आराम से, आप प्रिडिक्टिव जो होती है ना, प्रिडिक्शन करने के लिए हमको यूज करना है। प्रिडिक्शन कैसे होगा कि भाई ये आदमी सक्सेस होगा, ये प्रिडिक्शन है, तो कैसे बोल पाएंगे आप सक्सेस होगा कि नहीं होगा, वर्तमान में सक्सेस होगा कि भविष्य में होगा, कि भविष्य में, भविष्य में या मरने के बाद, तब ये तत्व काम करता है। एक सपोर्टिव एक्टिंग बोलते हैं, नमक के काम का है, थोड़ा सा ही लगाना है इसको, बस पूरा काम आपका, बाकी तो आप देख रहे हैं ये ग्रह अच्छा है बुरा है, दशा ही चल रही, अच्छा हो रहा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसका एसेंस लगाएंगे तो वो काम फास्ट होता है, प्रॉपर लगा। जैसे किसी भी इंसान के चार्ट में हम चार मेन ट्रायंगल बनाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उनका एक एक तत्व तो वो एक एक ट्रायंगल को पकड़ देगा, है ना। धर्म मैंने बोला ना, अग्नि धर्म का मालिक है। धर्म का मतलब क्या होता है, नियम। मैंने इनके लिए तो बोला ना, ये धार्मिक भी है और नियम से चलते हैं। तो मैंने जिसलिए पूछा, जैसे इनका 3711 है उसमें एक ही एलिमेंट आ गया, तो इससे भी मैं कुछ निकाल सकता हूँ कि इनका ग्रेटर पिक्चर क्या रहेगा 3711 में, अगर जल तत्व ये बौद्धिक क्षमता से पैसा जमा करते हैं, क्योंकि मिथुन तुला और कुंभ ये बौद्धिक राशि है, आपको पता है। और तत्व जो है ना, वायु तत्व, वायु तत्व ही सब कुछ होता है बौद्धिक इंसान में, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट। एक एग्जांपल, आप पानी कितनी देर में पीते हैं? सर 2-3 घंटे में एक बार शायद। और सांस कितनी देर में लेते हैं? जी हर पल। तो वायु तत्व अभी के अभी जो सोचना है सोच लेते हैं। तो इनका फाइनेंशियल के लिए ना, वो अब कब सोचते हैं कि कैसे मैं फाइनेंशियल को मजबूत बनाऊं, अब कब इतना ही सोचते हो, बाकी सब छोड़ दे। तो सर इनका 3711 में तो जल तत्व है, जो कि पास्ट की लिए आपने बोला कि ये लोग पास्ट में जीते हैं। 3711 नहीं, वो स्थान से आप इसको मत कनेक्ट करो, राशि को। हाँ वो अलग पार्ट हो गया, फिर पहले ये पार्ट आप मजबूत कर लो, नहीं तो आप डीप डीप उतरते जाएंगे ना, ये चालनी है, आप समझ रहे हैं। पहला क्या सीखते हैं आप, जो ज्योतिष सीखते हैं तो राशि सीखते हैं सिर्फ, हाँ हाँ ये राशि अच्छी है, अरे लग्न में ये राशि अच्छी होती है, बाद में सीखते हैं। फिर उसके बाद आप नवमांश में ये राशि कैसी बनेगी, डेट्स पहला आप बेसिक तो सीख लो मजबूत। इसमें इसका कितनी रिजल्ट कितने आ रहे, देखो मैं आपको लॉजिक ऐसा सिखा रहा हूँ कि आप क्रिएटर बनो, राइट सर, आप कॉपी करने वाले मत बनो। सर ये एक तो जैसे आपसे ये बात करते करते दिमाग में आया कि इनका ग्रेटर ट्रायंगल में तो ये जल तत्व आ गया, जबकि ये होता दूसरा ही है, यानी कि जो जेमिनी और हमारा ये लिब्रा और कुंभ, तो इनका इनका वो हो गया। दूसरा मुझे लग रहा था कि इसमें अगर कोई वक्री ग्रह बैठता, जिसमें हम कहते हैं कि वो प्रीवियस राशि का फल ज्यादा देता है, तो वो वहां का एलिमेंट उठाएगा के, तो फिर पता नहीं मतलब मेन कुंडली में मैं कोई भी वक्री ग्रह को देखता नहीं। प्रश्न कुंडली में वक्री ग्रह रिवर्स मार्गी होता है, उसका रिजल्ट आता है, जो एक बार उसके दिमाग में बैठ गया या नेचर, वो फिक्स है, उस नेचर को नहीं बदल सकते, उस नेचर के हिसाब से। जैसे एक रेलवे आपने बना दी,
उस रेलवे के अंदर मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, रेलवे ही कहा जाएगा उसको, चलेगा तो पटरी पे। हाँ, एक व्हीकल बोलेंगे वो रोड पे ही चलेगा, एक प्लेन बोलेंगे तो वो हवा में ही चलेगा। तो वो हमको ये सिद्धांतों को पहले पकड़ के रखो आप, फिर आपके अंदर जैसे से इसकी पूरे मजबूती आई एक पार्ट को सीख के, फिर दूसरे में चलाऊंगा आप। ठीक है सर, सर अभी आपने इसमें बोला कि इसमें वायु तत्व जो आया है 2, 6, 10 में, तो ये अपने पढ़ाने की वजह से ज्यादा कमाएंगे, इंटेलेक्चुअल ज्यादा? नहीं नहीं, फाइनेंशियल के लिए हम क्या देखते हैं, 2, 6, 10 देखते हैं जी। अभी तो इन्होंने वही सवाल किया, 3, 7, 11 जो पकड़ा इन्होंने वही तो सवाल किया। तो हर बार हम उस चैप्टर को एक साथ में देख सकते, लेकिन वहाँ पे क्या है, मंगल बुध शुक्र आ गया, इसमें कोई है ही नहीं, तो वो पार्ट को हम पकड़ सकते हैं। तो वो कहाँ पे रोल निभा रहा है, वो है ही नहीं इस रोल में, तो बैकग्राउंड में ही रोल निभा रहा है। तो सारे मकर लग्न वालों का तो यही होगा ना मगर? हाँ, लेकिन वहाँ पे ग्रह कैसे बैठे हैं, अगर वो सिंह राशि धनुराशि का नहीं रहेगा तो आगे का सोचेगा नहीं, वो प्रेजेंट टेंस में कमाएगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा वो। मतलब सर मैं जो प्रेजेंट में कमा रहा हूँ फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता हूँ। क्योंकि जल तत्व की राशि में ये 3-7 तो गई है, 11 तो छोड़ दो। सर 4 बजे से ना एक और वेबिनार है, तो वी नीड टू बाइंड अप सर। हाँ राइट राइट, ठीक सर। एक एक रिक्वेस्ट था, अगर क्लास आप लेंगे तो ये एक दिन में एक्चुअली कॉन्सेप्ट को एक्युमुलेट करना, उसके बाद प्रश्न करना नहीं हो पाता एसिमिलेशन करके, अगर ये क्लासेस मतलब 4 घंटे के जगह 2-2 घंटे 2 दिन हो तो फिर ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से रिजल्ट आएगा, तो समझ में कुछ आ जाए। नहीं सबको टाइम नहीं रहता ना 2 दिन के लिए कभी कभी, नहीं तो वो सर या तो क्वेश्चन आंसर सेशन एक बाद में दिया जाए, जो लोग को जो लोग क्लियर हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। देखो बेसिक सिद्धांत सिखाने के लिए, देखो किताब में बेसिक सिद्धांत कितना टाइम लगता है राशि और ग्रह सीखने के लिए, 1 घंटे में पढ़ के निकालेगा, लेकिन उसको समझने के लिए उसमें 2 साल निकल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक राशि, अगर एक राशि का स्वभाव जानने के लिए आपके पास किताब में 15 वर्ड दे रहते हैं, आप फट बोल के राशि का जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उस जानकारी को आपको प्रॉपरली समझ के जब तक आपके मन से नहीं निकलेगा ना आंसर, तब तक तो नहीं आएंगे। तो आपको 2 घंटे के अंदर ना बेसिक तत्व के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और तत्वों को कैसे यहाँ पे देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, और उनको अगर आप किसी भी चीज में लॉजिक में लगाने जाएंगे तो कोई भी सवाल करेगा तो उसमें कनेक्ट होते जाता है, और उसके बाद आप कुछ भी सवाल करेंगे उसी दिन उन सवालों को लेके हम खत्म करेंगे। फिर भी पूछ के देखेंगे ऐसा होता है तो, मैं बिजी रहता हूँ ज्यादा, अभी भी लोग बैठे हैं बाहर। डेट्स नितेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डेट्स जरूर अनाउंस करें, मेरे ख्याल में 7 जनवरी की डेट आएगी सर वेबिनार की। 31 जनवरी के 2 लेक्चर जैसे आपने बोला, मैं एक बार सर से डिस्कस कर लूंगा, एक 31 दिसंबर का कर लेंगे और एक 7। नितेश जी 31 दिसंबर बिल्कुल ना करें, स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, रिक्वेस्ट है 7 तारीख के बाद ही करें, 7 तारीख के बाद ही करें। कोई सैटरडे संडे पिकअप कर सकते हैं, या केवल संडे में 4 घंटे की क्लास भी चल सकती है, तो वो आप देखें कैसे करना है, लेकिन एटलीस्ट 31 दिसंबर में ना करें, आपके पास स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। श्योर सर, मैं एक बार सर से बात करके ना इसको अपडेट करा दूंगा, मैं सभी को मेल कन्विंस मेल कन्वे करा दूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू, चलिए नमस्ते। नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।